मेवात पुलिस ने करीब एक दर्जन हाईटेंशन लाइन के तार चोरी करने की वारदात में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें, CIA प्रभारी अमित कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि अभियंता भिवाड़ी ने थाना सदर नूह में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि 220 KV बदरपुर लाइन गांव कोटला में टावर संख्या 179 से 182 के बीच से अज्ञात चोरों द्वारा 7,12,000 रुपये की 1980 मीटर तार चोरी करने के संबंध में पेश किए, जिस पर थाना सदर नूह में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आगामी कार्रवाई सहायक उप निरीक्षक उमर मोहम्मद अपराध जांच शाखा द्वारा अमल में लाई गई। वहीं आपको बता दें कि मुकदमे में आरोपी शौकत पुत्र नवाब, शहीद पुत्र मौजम, आकिल पुत्र लखू निवासी माहौन थाना रोजकामेव व अब्दुल पुत्र रहमुद्दीन निवासी रहना थाना सदर नूह को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश कर पूछताछ व बरामदगी के लिए एक दिन के रिमांड पर लिया गया था। रिमांड अवधि के दौरान इनसे रुपये बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि गत 12 फरवरी 2023 से 27 अक्टूबर तक 9 बार तार चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मेवात के गांव पटाकपुर, पुनाना, भादस, सिकरावा, गोहाना व दिहाना, रायपुरी, पूरा का, रानिका के जंगलों में से हाईटेंशन तार चोरी करने की वारदातों को आरोपियों ने अलग अलग गांवों से, खेतों से निकल रहे बिजली के हाईटेंशन तार चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल कर लिया है। वहीं आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 19/10/2023 को जी भिवाड़ी ने सदर थाना नूह में एक मुकदमा दर्ज करवाया था जो हाई वोल्टेज तार हैं उनकी चोरी के संबंध में। ये जो मुकदमा था अनन एक्यूज के खिलाफ था। इसमें जांच जो है हमारी CIA नूह है उसके द्वारा अमल में लाई गई और इस पर काम करते हुए टेक्निकल जो मोड्स हैं उनको अपनाते हुए हमने 3 अपराधियों को, जिसमें शौकत पुत्र नवाब, शाहिद पुत्र मौजम और आकिल, ये रोज कमे होते हैं, और अब्दुल पुत्र रहमान, ये रहना थाना सदर मुंबई है, इनको दिनांक 4/11/2023 को अरेस्ट किया। इनका पुलिस रिमांड लिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान इनसे रिकवरी जो है वो की गई। इसके अलावा जो इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इनसे हमने करीबन 10 और 12 जो हैं वारदातें जो हैं वो अलग अलग जगह की वो ट्रेस आउट हुई है, जिसमें कि इनके द्वारा जो बताया गया है कि 12 तो गांव पटकापुर के जंगल से इन्होंने तार दिनांक 7/7/2023 को पुनाना के जंगल से जो तारें हैं वो तोड़ी थी, 16/8/2023 को गांव पटकापुर के जंगल से, इसी प्रकार 27/9 को अलग अलग जो समय पे हैं इन्होंने 10 से 12 वारदात जो हैं वो की हैं। इनका पुलिस रिमांड ले गई, इनसे पूछताछ के दौरान ये सारी वारदातें जो इनको और बाकी जो साथी हैं, इनके साथी रहे हैं इन वारदातों में, उनके बारे में बताते हुए की गई।